उपमंडल गोहर के चिचोट पंचायत के राजकीय प्राथमिक पाठशाला नया गांव में पार्वती कोल डैम ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा 50,000 की लागत से पाठशाला को डेस्क, कुर्सी, अलमारी, ग्रीन बोर्ड और एक टेबल कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत दिया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले यहां के छात्र टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ाई करते थे, लेकिन कंपनी की पहल से छात्रों में खुशी का आलम है। उपमंडल गोहर के चिचियोट पंचायत के राजकीय प्राथमिक पाठशाला नावग्राव में पार्वती कोल डैम ट्रांसमिशन कंपनी द्वारा 50,000 की लागत से पाठशाला को डेस्क, कुर्सी, अलमारी, ग्रीन बोर्ड और एक टेबल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत दिया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पहले यहां के छात्र टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ाई करते थे, लेकिन कंपनी की पहल से छात्रों में खुशी का आलम है। कंपनी के उप महाप्रबंधक अमित कुमार सिंह ने बताया कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर उठाने के लिए कंपनी द्वारा ऐसे बहुत से स्कूल्स हैं जहां कंपनी द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। अमित कुमार सिंह ने बताया कि कंपनी द्वारा ऐसे प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। जिन सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या कम है, वहां पर छात्रों को अच्छी सुविधा मिल जाने से स्कूलों का स्तर व छात्रों की संख्या को बढ़ाना भी कंपनी का उद्देश्य है। इस मौके पर स्कूल की मुख्य अध्यापिका लुद्रा देवी ने कंपनी द्वारा स्कूल को दिए गए उपहारों के लिए पार्वती ट्रांसमिशन कोल डैम कंपनी का तहे दिल से धन्यवाद किया। बस सराहना करते हुए बताया कि दिए गए उपहारों से स्कूल के छात्र व अभिभावकों में खुशी की लहर है। वे अब नावग्राव स्कूल के छात्र अब डेस्क पर बैठकर अपनी पढ़ाई करेंगे व इससे स्कूल का माहौल भी बदल गया है। वह आने वाले नए सत्र से मुख्य अध्यापिका ने स्थानीय अभिभावकों से आग्रह किया है कि अपने बच्चों को निजी स्कूल के बजाय सरकारी स्कूलों में भेजें ताकि सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ सके। पार्वती कोल डैम के सौजन्य से आज 31/1/2020 को गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नौगांव में 14 डेस्क, टेबल, चेयर्स, अलमीरा दी गई है, जिससे सरकारी स्कूलों में घटते हुए रुझान को वापस से बढ़ाने के लिए एक कंपनी की ओर से प्रयास किया गया है और आगे भी कोशिश करेंगे, ऐसे प्रयास आगे भी चलते रहेंगे। धन्यवाद। मतलब ये फर्स्ट टाइम हुआ या आपने कहीं और भी किया हुआ? ये आप पहले भी करते रहे हैं, इस स्कूल में पहली बार हुआ है और कई स्कूलों में करते रहे और आगे भी कई स्कूलों में, गोहर में करीब करीब 8 स्कूलों को हमने आइडेंटिफाई किया है, उनमें भी आने वाले 10 से 15 दिन में बेंचेस, फर्नीचर, जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सरकारी स्कूलों के प्रति रुझान बना रहे बच्चों का और माता पिता का, अपने बच्चों को भेजें स्कूल में। सर मेरा नाम रुद्रा देवी, मैं 1 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ पर बच्चों की संख्या 6 थी, तो मैं गांव-गांव में गई और बच्चों को जो है तो प्रोत्साहित किया यहाँ स्कूल में आने के लिए, नहीं तो हमारा स्कूल बंद होने वाला था। तो अब जो है तो आज की डेट में हमारे पास 14 बच्चे हैं। तो आज कंपनी की तरफ से हमें जो फर्नीचर मिला, डेस्क मिले, नहीं तो यहाँ पर बैठने के लिए कोई प्रबंध नहीं था, नहीं बच्चे टाट पट्टी पर बैठते थे। तो आज जो कंपनी ने हमें इतना फर्नीचर प्रोवाइड किया तो इसको देख कर जो है तो इस साल और भी बच्चे जो है तो आएंगे और मैं गांव-गांव में जाऊंगी, लोगों को बताऊंगी कि देखो अब बैठने की व्यवस्था भी हमारे स्कूल में अच्छी है। तो जो है इस करके जो है तो हमारे स्कूल में आगे को मैं कोशिश करूंगी कि हमारे जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में बच्चे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।